नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने कानपुर की जनता को मेट्रो की सौगात दी है, साथ ही जनता को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। और कम्युनिकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है, उसका भी यूपी को बहुत लाभ हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। अकेले यूपी में ही लगभग 1,60,00,000 गरीब परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पाइप से सस्ती गैस के कनेक्शन भी 7 सालों में 9 गुना हो चुके हैं। इसलिए ये हो पा रहा है क्योंकि बीते सालों में पेट्रोलियम नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। अब बिना रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादों के लिए कानपुर सहित यूपी के अनेक जिलों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे यूपी में विकास के इंजन को बिना रुके ऊर्जा मिलती रहेगी। साथियों, किसी भी राज्य में निवेश के लिए, उद्योगों के लिए, फलने फूलने के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था का राज। यूपी में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था का राज वापस लाई है, इसलिए यूपी में अब निवेश भी बढ़ रहा है और अपराधी अपनी जमानत खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अब एक बार यूपी में औद्योगिक कल्चर को बढ़ावा दे रही है। यहां कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर को मंजूरी दी जा चुकी है। यहां के युवाओं का कौशल विकास करने के लिए फजलगंज में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई है। डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एक जनपद एक उत्पाद योजना, इनका लाभ कानपुर के हमारे उद्यमी साथियों को भी मिलेगा होगा। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। नई इकाइयों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके 15% करना हो, जीएसटी दरों में कमी करना हो, ढेर सारे कानूनों के जाल को समाप्त करना हो, फेसलेस असेसमेंट हो, इसी दिशा में उठाए गए कदम है। नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देना भी शुरू किया है। सरकार ने कंप्लीट लॉ के बेहतर बहुत सारे प्रावधानों को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, जो हमारे व्यापारी साथियों की मुश्किलें बढ़ाते थे। भाइयों और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जन विश्वास यात्रा के विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नेता के घर पड़ी रेड में मिले करोड़ों रुपए को लेकर जमकर सपा और बसपा पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में शौचालय, आवास और बिजली का पैसा गरीब जनता तक नहीं पहुंचता था, बल्कि लोग लक्ष्मी को दीवारों में बंद करके रखते थे, लेकिन अब लक्ष्मी जी दीवारों को फाड़ कर बाहर निकल रही
रही हैं। उन्होंने कहा कि नोटों को घरों से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और 3 दिन से लगातार ये नोट गिने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह से समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से घेरा गया है। दरअसल आपको बता दें कि इत्र कारोबारी के घर पर जिस तरह से बीते कई दिनों से छापेमारी चल रही है और करोड़ों रुपए मिले हैं, उसको देखते हुए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब घरों में लक्ष्मी जी रहती थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के जिन कार्यों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यों की उपलब्धियों को लेकर के एक बार फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि आप सब के बीच में आ रहे हैं और मैं आभारी हूं आपका। आपने भारी संख्या में जिस उत्साह के साथ इस यात्रा का समर्थन किया है, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे भी यहां पर जब मैं आया था तो कामेश्वर नाथ धाम में यहां के हमारे विधायक श्री सुनील वर्मा जी बता रहे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के साथ साथ अपनी विधायक निधि का भी उपयोग यहाँ के विकास के लिए किया है। तो सीतापुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने, आपको बता दें, बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के घरों पर छापा पड़ रहा है, उसको देखते हुए उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में शौचालय, आवास और बिजली का पैसा गरीब जनता तक नहीं पहुँचता था, बल्कि लोग लक्ष्मी को दीवारों में बंद करके रखते थे, लेकिन अब लक्ष्मी जी दीवारों को फाड़ कर बाहर निकल रही है। उन्होंने कहा कि नोटों की गड्डियाँ निकल रही है घरों से और तीन दिन से लगातार ये नोट गिने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है। आपको बता दें कि जब से समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर छापा पड़ रहा है, उसको लेकर खूब सियासत भी यहां पर की जा रही है। दरअसल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर बीते कई दिनों से छापा पड़ रहा है और ऐसे में हर दिन नई नई जानकारियां वहां से मिल रही हैं, क्योंकि भारी संख्या में उनके घर से नोट बरामद हुए हैं। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी नमस्कार। अभिषेक जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के घरों पर छापा पड़ रहा है आईटी का, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में लक्ष्मी जी घरों में बंद रहती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है घरों से लक्ष्मी जी दीवार तोड़ कर निकल रही है, गड्डियां मिल रही है नोटों की। नहीं देखिए, ये तो उनके लिए चिंता का सबब हो सकता है जिन पार्टियों में ये होता रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि समाजवादी पार्टी के व्यक्ति सम्मिलित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी झूठ को झूठ का पुलिंदा बना करके पूरे समाज में फैला रहा है, लेकिन उससे समाजवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, ये वो बोल रहे हैं सुख बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अरे साहब, 200 रुपए की दाल, 50 से 55 रुपए की दाल आपने कोविड टाइम पे मंगा करके यहाँ पे 200 रुपए में आपने बेचा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ पे 50 रुपए 55 रुपए में दाल मिलती थी, और आपने बाहर से आपने 200 रुपए में दाल मंगाई, तो ये जो तकरीबन 150 रुपए का अंतर था, तो ये 150 रुपए किसके खाते में आपने दिए हैं? तो इससे साफ प्रतीत होता है ये दोहरे चरित्र की सरकार है। ये वही सरकार है जो काबू घोटाला कर देती है, जो आवंटन घोटाला कर देती है,
जो जिसके, यानी कि अभिषेक जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार जब थी 2017 से पहले तो उस समय कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, और आपके जो नेता थे वो किसी चीज में संलिप्त नहीं है? जिनके ऊपर देखिए, जिनके ऊपर कोई दोष साबित हुआ है वो बिल्कुल जेल के पीछे हैं, और हम तो खुद भी कहते हैं जो दोषी आप उनको सजा दीजिए, आप टंडन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम तो खुद भी यही बात कहते हैं। लेकिन आप अनर्गल बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करेंगे, समाज में दूषित मानसिकता फैलाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। हम समाजवादी लोग हैं, 2022 में साइकिल आने जा रही है। नहीं, वो तो आप भी करते हैं ना, लोगों को भ्रमित तो आप भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी बयानबाजी करती है, इस तरह के बयान देती है। कब हमने कब समाजवादी पार्टी ने भ्रमित किया? समाजवादी भ्रमित करने का काम नहीं करते समाजवादी लोगों। क्यों वैक्सीन पे नहीं आपकी पार्टी के मुखिया ने भ्रमित किया, आप बताइए? आप अगर भ्रमित करने के यहाँ पर बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने नहीं वैक्सीन को लेकर भ्रमित किया था कि तो बीजेपी की वैक्सीन है? ये आदरणीय अखिलेश यादव जी थे जो सबसे पहले लगवा कर लोगों को संदेश दिया। हाँ तो ठीक है, वो लगवाई ना, लेकिन उससे पहले तो इसी तरह का बयान आया था। देखिए दोनों चीजों में अंतर है, संदेश भी उन्होंने ही सबसे पहले दिया कि हमारे लिए जान माल सबसे इम्पोर्टेंट है, राजनीति तो होती रहेगी। नहीं, अब जब आपकी पार्टी के मुखिया इस तरह का बयान दे रहे तो आप कह रहे राजनीति होती रहेगी? पहले तो उन्होंने कहा था कि तो बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, और कुछ दिन बाद फिर अखिलेश यादव भी वैक्सीन लगवाते नजर आए थे, तो ये भ्रम नहीं फैलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको करेक्शन करते हुए तुरंत ही उन्होंने लोगों को संदेश भी पहुंचाया, हम झूठे संदेश नहीं पहुंचाते हैं, हमने तुरंत ही संदेश पहुंचाया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद कैंपिंग की है, कितने लोगों को डोजेस लगवाने के लिए प्रेरित किया है, समाज में एक दूषित मानसिकता के लोगों को हटा करके नए। ठीक है अभिषेक जी ठीक है, अगर आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं तो 2022 में जनता के मन में क्या है वो तो पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में राजनीति अब खूब हो रही है, दरअसल इत्र कारोबारी के घर पर जब से छापा पड़ा है उसके बाद से ही इस तरह के बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बस्ती पहुंचने पर बस्ती जिले के सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष तारक जायसवाल ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर फूल माला पहनाकर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने वैश्य समाज के साथ मुलाकात कर सभी की समस्याओं को सुना, साथ ही सभी को समर्थन देकर फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। बस्ती जिले में आज आम आदमी पार्टी की मासिक बैठक होने वाली है, जहां सीएम केजरीवाल के 2 जनवरी को लखनऊ आगमन को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही सीएम केजरीवाल के कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति के से रामनाथ गौतम को जिला महासचिव, शास्त्री डीएन त्रिपाठी को जिला संगठन मंत्री, दीपक चौधरी को जिला सचिव की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आज आम आदमी पार्टी बस्ती जिला इकाई की तरफ से मासिक बैठक बुलाई गई है, और 2 जनवरी 2022 को माननीय राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की लखनऊ में महारैली होने जा रही है, और कार्यकारी की बैठक में कुछ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सीतापुर पहुंची जनविश्वास यात्रा का स्वागत बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष राम जीवन जायसवाल ने सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ मिलकर किया। इस दौरान राम जीवन जायसवाल ने बताया ये यात्रा 6 प्रदेशों से निकाली जा रही है और इसका समापन लखनऊ में होगा। वहीं इस जनविश्वास यात्रा में केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और सांसद राजेश वर्मा, मोहन लालगंज सांसद कौशल किशोर भी शामिल रहे। जन विश्वास यात्रा 6 क्षेत्रों से निकाली गई जो पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र होते हुए इसका समापन हुए 8 लाख जो है लखनऊ में होगा। इसी उपलक्ष्य में अवध क्षेत्र की यात्रा जो है जन विश्वास यात्रा अम्बेडकर नगर से 19 तारीख को निकली।
पीलीभीत में प्रसपा प्रत्याशी शोएब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शोएब खान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चाचा और भतीजे से डर लग रहा है, इसीलिए छापे पड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि छापा पड़ने से ये साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मुद्दे बेरोजगारी के हैं, मुद्दे सड़कों के हैं, मुद्दे शिक्षा के हैं, बहुत मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान हो चुकी है और बदलाव चाहती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। पहले भी हमने 2017 से पहले जो सरकार थी हमारी, 16 से पहले हमने काम किए हैं, अखिलेश जी ने काम किए हैं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने काम किए हैं। जनता को भरोसा है कि इस उत्तर प्रदेश को बदल सकते हैं, तो सपा परसपा मिलकर सरकार बनाएंगे और एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। बीजेपी इन दिनों यूपी का रण जीतने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं इसी बीच मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बदायूं पहुंच रहे हैं, जहां वो इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी क्षेत्र के MLC लाल बिहारी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने राज्य की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, साथ ही शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इकहत्तर दिसंबर और नए साल को देखते हुए बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। वहीं DM ने यूपी में लगाए गए नाइट कर्फ्यू का जिले में सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं जिले में मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें जो शासन के निर्देश हैं उसी का जो अनुपालन कोविड के दृष्टिगत कराया जाएगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू है, उसका बहुत कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। साथ के साथ जो कोविड में जो मास्क पहनने का जो अनुपालन है उसको भी लगातार सुनिश्चित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये आलम है कि यहाँ कार सवार एक बड़े व्यापारी को नगर गनर होने के बावजूद उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, अलीगढ़ के रामघाट रोड पर एटा के बड़े सीमेंट व्यापारी संदीप गुप्ता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि संदीप गुप्ता को सरकारी गनर भी मिला हुआ था और उसके निजी सुरक्षाकर्मी भी उसके साथ थे। वहीं घटना के समय वो दूसरी गाड़ी में सवार थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी हत्या हो गई। देखिए, पहला तो मेरी बहुत बड़ी संवेदनाएं हैं। संदीप जी जिस व्यक्तित्व को रखते थे, समाज सेवी भी बहुत बड़े थे, बहुत सेवाएं जो मैं उनको व्यक्तिगत जानती हूं। और लेकिन जिस तरीके की घटनाक्रम है वो रोष के साथ साथ जो है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जिस तरीके का मुझे संज्ञान में आया है कि मेन रोड पर एक और उनके साथ में सरकारी सिक्योरिटी भी है, व्यक्तिगत सिक्योरिटी भी है, और ऐसा हो जाना जो है ये तो बहुत बड़ी खतरे की बात है। और मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत हृदय विदारक घटना है। व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, हमने उन्हें खोया है। सूचना मिली कि श्री संदीप गुप्ता जी हैं, ये एटा बेस्ड एक व्यापारी हैं, कई जनपदों में इनके अपने व्यापार का काम है और सीमेंट का इनका कारोबार है। इनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और उसमें पड़ताल शुरू की गई है। एक संदिग्ध वाहन भी उसमें ट्रेस किया गया है, जिसके बारे में जानकारी अभी की जा रही है। बाकी यहाँ पर आकर इनके परिजनों से और इनके साथ काम करने वालों से काफ़ी जानकारियाँ भी जुटाई गई हैं और उसी जानकारी के क्रम में हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तहरीर देने के लिए कह दिया गया है।
बिजनौर में एक बार फिर से कोरोना को लेकर शासन और प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इसी कड़ी में चांदपुर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने देर रात सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे शहर भर में जागरूक किया। वहीं इस दौरान पुलिस की ओर से सड़क पर निकलने वाले लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करने के बारे में भी जानकारी दी गई। ग्यारह बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। सभी पुलिस को, सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं कि आरवी वाहन, अन्य मोबाइलों को और सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना से संबंधित जितनी प्रिकॉशन की चीज़ें हैं उनका दिन में भी अनुपालन कराया जा रहा है। यहाँ का जन सहयोग मिल रहा है और लोगों से अपील है कि जो थर्ड वेव है इससे बचाव के जितने उपाय हैं उसको अख्तियार करें। पीलीभीत में ओवर रेटिंग के मामले पर शहर के नामचीन होटल को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि होटल पर मेन्यू कार्ड के हिसाब से खाद्य सामग्री पर ज्यादा दाम वसूलने का आरोप लगा है। वहीं बीते दिनों होटल पर पनीर में हड्डी मिलने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद केस दर्ज भी हो चुका है, जिसके बाद ग्राहक की शिकायत के बाद जिला विधेयक और बांट माप अधिकारी ने होटल मालिक को नोटिस भी दिया है। मुरादाबाद में बीच सड़क पर जमकर दो दुकानदारों में मारपीट हो गई, जिसमें एक दुकानदार घायल हो गया। वहीं इस मामले में जब दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट कर रहे दोनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। रामपुर में आसमान में अजीब शक्ल में धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं इस उड़ते धुएं का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पनवड़िया बिजली घर में वोल्टेज नापने की मशीन में फॉल्ट होने के बाद आसमान में रिंग के आकार का धुआं उड़ता हुआ नजर आया। कन्नौज में 4 दिन से जारी छापेमारी में करोड़ों निकलने के बाद पीयूष के बेटे का वीडियो सामने आया है, जहां पीयूष घर में टीन के टहलने से चिंतित दिख रहा है। साथ ही इस वीडियो में घर के बेड पर बैठकर पीयूष खामोश और चिंतित नजर आ रहा है। प्रयागराज में पुलिस ने 25 दिसंबर को युवती की गला काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि युवती का प्रेमी ही निकला। आरोपी ने बताया कि युवती हत्यारे पर शादी का दबाव डाल रही थी और शादी न करने पर उसे फंसाने की धमकी दे रही थी, जिसकी वजह से उसने युवती की हत्या कर दी। रायबरेली में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। वहीं इस हादसे के बाद तीनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। संभल में पुलिस पर हमला करने वाले 25,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी गैंगस्टर सहित कई मामलों में वांछित चल रहा था। वहीं मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल ने बताया कि पंचायत चुनाव में पुलिस पर हमला करने वाले नूरपुर ततारपुर निवासी दिनेश को संभल सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आदमपुर रोड बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया है। ये थाना संभल पुलिस द्वारा जो है एक गैंगस्टर का वांछित, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, जिसका नाम दिनेश सिंह है, पुत्र ज्योति सिंह, नूरपुर थाना कैला देवी वर्तमान में है, इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसकी पूरी कहानी ये है कि अप्रैल महीने में पंचायत इलेक्शन के दौरान गांव कर्सड़ी थाना हयात नगर में पुलिस पे हमला किया गया था, जिसमें अन्य लोगों के साथ ये भी जो है शामिल था। संत कबीर नगर में कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल 31 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सिंह सैंतवार ने कहा कि गन्ना मिल, सूती मिल सहित कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल सरकार को घेरने का काम करेगी। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को ही खलीलाबाद जिला मुख्यालय पर गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं,
तो यहाँ जनता की बहुत दिनों से मांग है, इन्होंने वादा भी किया था चुनाव में कि मेरी सरकार बनेगी तो खलीलाबाद की चीनी मिल और विकास से संबंधित जो भी काम है सभी कामों को मैं पूरा करूंगा। उस पर जनता ने विश्वास करके इनको 2017 का चुनाव जिताया और जनता आज तक उस काम को मांगती रही, लेकिन उस काम को इन लोगों ने पूरा नहीं किया। उसको लेकर के जिला मुख्यालय पे 31 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की तरफ से नाबालिग पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप में महिलाओं बच्चों ने थाने का घेराव किया। इसी के साथ ही परिजनों ने भगवान कृष्ण की मूर्तियों को थाने में लाकर SHO की टेबल पर रखकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने पुलिस पर नाबालिग के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर पीड़ित परिवार से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। दिनांक 21/12 को एक मुकदमा की तहरीर आई थी जो क्राइम नंबर 584 पे अंकित की गई, जिसमें धारा 34, 307, 323, 504, 506 अंकित की गई और जिसमें तीन लोगों के खिलाफ नेम्ड FIR थी जो विकास कुमार द्वारा दी गई थी। उसमें जो है आशु अंकुश भाषणे और जॉन्टी और सूर्या टनाटन इन लोगों के खिलाफ दी गई थी। अब ये लोग कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष हैं, निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, वो संतुष्ट होके अपने वापस टैंक ली। उसका नाम जो है वो डाला है, जबरदस्ती डाला है, बोले हम बड़े अच्छे व्यवसायी हैं तो कुछ ना कुछ जो है बोले इन पर मुकदमा डाल के कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चा हमारे बहुत डरे हुए। पुलिस ने कितने दिन बाद मुकदमा दर्ज किया? वो तीन दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, सोच समझ के सब प्लानिंग के तहत मुकदमा दर्ज हुआ कि किन के हाँ होना चाहिए। सूरज गुप्ता टनाटन जिसका नाम, वो 14 साल का नाबालिग बच्चा है जिसका नाम जबरदस्ती उसमें और गुजरा है। और सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित ड्रेनेज खंड के कर्मचारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले इस धरने में दर्जन भर कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। इनकी प्रमुख मांगे सिंच पालों की संख्या बढ़ाने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर है। इसके अलावा बढ़ाए गए मासिक भत्ता नहीं दिया जाना भी शामिल है। वही जिला अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारियों की कमी और कार्यों की अधिकता प्रमुख समस्या है, इससे वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है। समस्या सर जी कर्मचारियों की कमी और कार्यों की अधिकता और दिन प्रतिदिन कर्मचारी कम होते चले जा रहे हैं जिससे वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है। एक एक सीट पर्यवेक्षक के पास तीन तीन चार चार चौकियां हैं, अमानत का कार्य है, ऑफिस का कार्य है, सर्वे का कार्य है, इसके साथ साथ अन्य भी कार्य करने पड़ रहे हैं। बता दें आपसे हम 19 सीटपाल के सापेक्ष केवल एक सीट पर्यवेक्षक एक सीटपाल कार्यरत है और 9 सीट पर्यवेक्षक में 5 सीट पर्यवेक्षक कार्यरत है। और बता दें आप सब इसी को लेते हुए एक सीट पर्यवेक्षक हमारे गंडक संगठन में मुख्यमंत्री गंडक के कार्यालय में संबद्ध है, वेतन यहां से ले रहे हैं और ड्रेनेज और कार्य मुख्यमंत्री गंडक के कार्यालय में कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में किसान यूनियन के लोगों ने तहसील परिसर का गेट बंद कर NH-28 जाम कर धरने पर बैठ गए और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। आपको बता दें कि जिले के बांसी तहसील परिसर में किसानों की समस्याओं को लेकर BQ अंबावता के जिलाध्यक्ष मोहम्मद चौधरी की अगुवाई में 36 दिन तक धरना चला। वहीं अधिकारियों के आश्वासन पर धरने को बंद कर दिया गया, लेकिन मामले का निस्तारण कराए बिना ही ग्राम पंचायत बड़हर घाट में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर नाराज किसान यूनियन के लोगों ने बांसी तहसील परिसर का गेट बंद कर सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। तहसील प्रशासन बड़हर घाट के प्रधान को और क्षमा चाहेंगे पुलिस प्रशासन भी मिल करके गुंडा बना करके जबरदस्ती विकास कार्य किसी के नंबर पे किसी के पट्टे पे करवा रहे हैं। DM साहब के कहने के बाद भी आश्वासन दे रहे हैं, सेक्रेटरी जो महिला है उसका पति जो है ठेकेदार है और 15 मजदूर लगे हैं, 2 वहाँ कारीगर हैं, जल्दी जल्दी से जो है उसको ईट पूरा कर रहे हैं। आप लोग सड़क जाम किए हैं तो कब तक ये सड़क आप लोग जाम करेंगे? सड़क जाम अभी तहसील प्रशासन के लोग गए हैं, अगर वहाँ काम बंद नहीं होगा तो सड़क ही नहीं जाम होगी, ये अनवरत धरना चलेगा और डेली सड़क जाम होगी। तो वो जो काम हो रहा है वो तो आप एप्लीकेशन SDM साहब को देंगे तब भी तो काम रुक जाएगा। SDM साहब को एप्लीकेशन दिया गया था, 37 दिन धरना चला था, तहसीलदार साहब ट्रेनिंग से आ जाएंगे तो निस्तारण हो जाएगा कार्य का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।